कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों FIR सामने आ गई है। FIR में उनके खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र किया गया है। गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। शिकायत में बड़ी बड़ी बातें क्या हैं और इस पर बृजभूषण सिंह का जवाब क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। एक पहलवान की शिकायत में कहा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे गलत नियत से टच किया, इस दौरान छाती से पेट तक छुआ। पहलवान ने कहा कि इन हरकतों से वह कई दिनों तक गहरे सदमे में थी। कुछ दिनों के बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में एक बार फिर गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों, मेरे हथेली को छुआ गया, अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने छाती से पेट तक टच किया गया। एक अन्य पहलवान ने कहा कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपनी हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। शिकायत में कहा गया कि बृजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपने हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। वहीं एक और खिलाड़ी ने कहा है कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी, मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया, कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा, खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया। एक और शिकायत में ये कहा गया है कि बृजभूषण ने सांस चेक करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया, मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ, मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया फिर भी नहीं हटाया। इन आरोपों को लेकर ABP न्यूज से हुई बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते, जांच करवाते और बरी होते? यौन उत्पीड़न का अपराधी बनकर के कैसे देता? नहीं, मैंने नहीं मैंने नो नो मैंने मैंने उस समय भी कहा अपराधी नहीं हो गए, मैंने उस समय भी अपराधी जांच के बाद होंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। क्या अडवाणी जी अपराधी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए वो अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है, यहाँ सीधे चरित्र हरण का प्रयास किया गया है। ये कहते पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? तो FIR में क्या आरोप है और इन आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।